हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मुराड़ी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जो राजस्थान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उन स्टूडेंट्स ने अपनी फीस भी भर दी है। अब उनके पास पास जो बचती है वो फीस रिसिप्ट है। अब उसके बाद में उन स्टूडेंट्स को उस फीस रिसिप्ट का क्या करना है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। और उस फीस रिसिप्ट के बाद में अगर जमा भी होती है और उसके बाद में क्या प्रोसेस होगी वो भी बात करेंगे। और हॉस्टल जिन स्टूडेंट ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है उन सभी को जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो आपको कहाँ जमा करानी है, कब तक आप सभी की जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो जमा होगी, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। अगर यार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट्स, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो रिजल्ट्स हो, एग्जाम्स हो, एडमिशन्स हो, हर प्रकार की अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि जो फीस रिसिप्ट है अब उसका आप सभी को क्या करना है। मैं आप सभी को बता दूं जो फीस रिसिप्ट है उसके लिए अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन थे उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उससे पहले ही आप सभी की जो फीस थी वो जमा हुई थी, उसके बाद में आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। तो जो फीस रिसिप्ट थी वो डॉक्यूमेंट के साथ ही जो आप सभी के फॉर्म की हार्ड कॉपी होती है उसके साथ ही लगा दी गई थी और वो जमा हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप सभी को जो शायद इस बार आप सभी के जो फॉर्म के या फीस रिसिप्ट है उसको जमा कराने की शायद कोई जरूरी नहीं है। आप सभी जो फीस रिसिप्ट है अपने पास रख सकते हैं, वो आगे आने वाले समय में आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएगी, जब आप सभी अपने कॉलेज में आईडी कार्ड लेने जाएंगे, आपके जो प्रैक्टिकल है उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट लेना होगा या और भी कई चीजें होती हैं जिनमें आप सभी की जो ये फीस रिसिप्ट है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। आप सभी की स्कॉलरशिप फॉर्म में भी आप सभी की जो फीस रिसिप्ट है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। तो इस फीस रिसिप्ट को आप संभाल कर रखें, डाउनलोड कर ले और कहीं सेव कर ले तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मतलब फीस इस फीस रिसिप्ट को कॉलेज में जमा कराने से रिलेटेड तो हम आप सभी को सूचित करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है और मेरिट लिस्ट में भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है। तो चलिए अब बात करते हैं अगर आपकी जो फीस रिसिप्ट है वो भी जमा हो जाती है या उसके बाद में आप सभी को क्या करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं अब उसके बाद में आप सभी की कॉलेज ओपन होगी, लेकिन कॉलेज अभी आप सभी की ओपन नहीं होगी क्योंकि 18 तारीख से आप सभी की जो चुनावी प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। चुनावी प्रक्रिया 18 तारीख से स्टार्ट होगी और 26 तारीख को आप सभी की चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी। 27 को आप सभी के जो इन छात्र संघ चुनाव है उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे और फिर उसके बाद में आप सभी की स्टडी है वो लगभग 1 तारीख से जो मिनिमम चलने वाली है, 1 तारीख से के बाद भी आप सभी की कभी भी स्टार्ट हो सकती है, उसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस रिसिप्ट का आपको क्या करना है। आप सभी को मैं बता दूं हॉस्टल जिन स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है उन स्टूडेंट्स को अपनी जो हॉस्टल फीस रिसिप्ट है और जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, जैसे अगर आप महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट्स और हॉस्टल के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप सभी को जो गोखले हॉस्टल है या महाराजा कॉलेज है उसमें आप सभी को वो फॉर्म की हार्ड कॉपी और जो फीस है 110 रुपये के साथ शुल्क जमा की गई जो फीस है वो आपको वहां पर जमा करानी होगी महाराजा कॉलेज या जो गोखले हॉस्टल है वहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 तारीख रखी गई है, जी हाँ स्टूडेंट्स, 21 अगस्त से इसकी लास्ट डेट है। 21 अगस्त से पहले आप सभी को जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है और जो फीस रिसिप्ट है हॉस्टल की वो आप सभी को वहां पर जमा करानी होगी। फिर उसके बाद में जो हॉस्टल की जो मेरिट लिस्ट है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी और मेरिट लिस्ट पर भी हम वीडियो बना रहे हैं कितनी आप सभी की मेरिट लिस्ट हो रह सकती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और किसी प्रकार के डाउट्स हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन सभी का जवाब 1 घंटे के अंदर आप सभी को।